दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो काफी कमाल होने वाली है और दूसरी वीडियो से हटके माने वाली है। आज हम गन से सीधा कैमरे के लेंस पर ही फायर करने वाले हैं और इसमें हमें क्या होगा, जब गोली बैरल से निकलकर टारगेट की तरफ जाती है तो वो शॉट हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जब हम गोली इस फोन पर सीधा फायर करें तो ये वीडियो को रिकॉर्ड करने से और सेव करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सेटअप तैयार किया है। सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने जो एक मिरर लिया हुआ है, इसे 45 डिग्री एंगल रखकर रखा हुआ है। गोली हम इसमें जो आपको मेज दिखाई दे रहा है वहां से हम गोली फायर करेंगे और इस मिरर का टारगेट लेंगे। तो गोली जब ये इधर मिरर से टकराएगी तो इसकी जो फुटेज है वो इस कैमरे में शूट हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 32 बोर के रिवॉल्वर से फायर करेंगे। हो सकता है उसकी गोली छोटी होती है, काफी वो रिकॉर्ड ना हो पाए। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होती है तो हम 12 बोर के स्लग से फायर करेंगे। इसकी गोली काफी मोटी होती है और उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो रिकॉर्ड हो जाए कैमरे में। तो सबसे पहले हम रिवॉल्वर से फायर करते हैं। चलिए तो फ्रेंड ये हमारी गोली जो है काफी ऊपर लगी है। हमें डायरेक्ट टारगेट पे शूट करना था लेकिन शूट नहीं हुई है, काफी ऊपर लगी है। तो हम एक और राउंड फायर करते हैं। चलिए स्लो करके देखते हैं इसे। ये अभी फायर हुई। ये हल्का सा हमें काले डॉट जो दिखाई दे रहा है वो बुलेट है शायद, मेरे को लगता। हाँ ये बुलेट ही है लेकिन सिर्फ एक फ्रेम में ही थोड़ी सी रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 32 बोर के रिवॉल्वर से दो गोलियां फायर की थी लेकिन जो दोनों गोलियां थी वो दोनों ही टारगेट पे नहीं लगी थी और उसकी कोई खास फुटेज भी हमें नहीं मिली थी। तो इसके लिए हमने उसको फायर करना जरूरी नहीं समझा और हमने डायरेक्ट 12 बोर की गोली से फायर किया। वो गोली पहली गोली टारगेट पे हिट हो गई और उसकी हमें सिर्फ एक फ्रेम में ही हमें गोली की छोटी सी झलक देखने को मिली, एक ब्लू डॉट्स देखने को मिला और इसके अतिरिक्त कोई हमें फुटेज नहीं मिली क्योंकि जो हमारे कैमरे थे वो गोली की कंपेरिजन में काफी स्लो थे, इसलिए हमें कोई खास फुटेज नहीं मिली। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही हम चाहेंगे कि आने वाली वीडियो में हम अपने कैमरे थोड़े स्ट्रांग लाएं जिससे वीडियो है जो काफी अच्छी रिकॉर्ड हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।